हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर अमेजिंग टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, पहले तो एक सिंपल सी बात ये कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए। अब पहले हम बात करेंगे सिर्फ रोटेशन की और रोटेशन अबाउट ओरिजिन। अब मान लो कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस r है और इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है। तो ये एंगल थीटा 1 हो गया। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब इस रॉड को रोटेट कर रहा हूं ओरिजिन के अबाउट, लेट्स से थीटा एंगल से। तो यहां पे ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर है और क्योंकि मैं सिर्फ रोटेट कर रहा हूं, इसका मॉड्यूलस चेंज नहीं होगा। मॉड्यूलस का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो आर ही रहेगा। और हमने कितने एंगल से इसको रोटेट किया, थीटा से। तो अब ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, ये पूरा विच इज थीटा प्लस थीटा 1। अब ये अपने पास रिलेशन आ गया। लॉज ऑफ इंडाइसेस से इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से। और ये चीज क्या है, ये तो z1 है। तो वी आर गेटिंग z इक्वल टू z1 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। सिंपल सा एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका फायदा समझिए भाई। हमें सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z1 पता है, भाई किसको रोटेट कर रहे हैं वो तो पता होगा, कितने एंगल से रोटेट कर रहे हैं वो पता है। तो इस Z1 का मॉड्यूलस क्या है, इस Z1 का आर्ग्यूमेंट क्या है, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ e रेज टू पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। अब ये तो हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था, इसलिए थीटा 1 प्लस थीटा हुआ। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते तो थीटा 1 माइनस थीटा होता। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या हो गया, z इक्वल टू z1 इंटू e रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा। पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, नेगेटिव फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना, एकदम आसान। ये जो हमने रोटेशन किया है इसमें हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस चेंज नहीं किया। अगर हम उसे भी चेंज करें तो रोटेशन एंड ट्रांसलेशन अबाउट ओरिजिन। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को मैंने ओरिजिन के अबाउट रोटेट किया बाय एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये लेंथ को भी चेंज कर दिया, मतलब मॉड्यूलस को भी चेंज कर दिया। थीटा से रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नए वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा प्लस थीटा 1 हो जाएगा। तो यहां से अब अपने पास क्या आ जाएगा भाई, फिर से लॉज ऑफ इंडाइसेस से अपन ने इसको इस तरीके से लिख दिया। e रेज टू पावर आयोटा थीटा 1 क्या है, z1 बाय r1। तो ये r क्या है, r तो है मॉड ऑफ z, r1 है मॉड ऑफ z1, ठीक है। अब यहां पर ऐसा लग रहा होगा आपको कि यार हमको फिर से मॉड्यूलस की जरूरत पड़ेगी, नहीं, एक्चुअली हमें सिर्फ ये नए कॉम्प्लेक्स नंबर और पुराने कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉड्यूलस का रेशियो है वो चाहिए। जैसे मैं अगर ये कहूं
कि मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज से और इसके मॉड्यूलस को डबल कर दिया। तो अगर ये R1 है तो R क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स R1, तो R/R1 कितना हो गया? 2। अब वो R1 कितना है वो हमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रेशियो पता होना चाहिए। जनरल एक्सप्रेशन इस चीज का लिखें तो ये आ जाएगा, फिर से वही लॉजिक, पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव फॉर क्लॉकवाइज। अब क्या रोटेशन सिर्फ ओरिजिन के अबाउट होगा? नहीं, रोटेशन तो किसी भी पॉइंट के अबाउट हो सकता है ना भाई। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को Z0 के अबाउट रोटेट करते हैं बाय एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो हमारे पास रिलेशन आएगा, आई एम श्योर आप लोग इजीली फिगर आउट कर चुके होंगे अभी तक के, वो आएगा ये Z-Z0, दिस माइनस दिस अपॉन इसका मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z1-Z0 अपॉन इसका मॉड्यूलस इनटू ई रेस टू पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा, पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, नेगेटिव फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन। तो थ्योरी वाइज ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। जो अमेजिंग पार्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में है वो ये है कि किसके अबाउट रोटेशन लगाना है। वो अगर आपने फिगर आउट कर लिया तो क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जिन लोगों से प्रूव हो गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों से नहीं हुआ है देख लीजिए। एक स्क्वायर है जिसके ये 4 वर्टाइसेस हैं टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। अब जो चीज हमें प्रूव करनी है उसमें Z4 नहीं है, Z2 को हमें बाकी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z3 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो रोटेशन लगाएंगे किसके अबाउट लगाएं? Z2 के अबाउट लगाते हैं। जरूरी नहीं है, Z1 के अबाउट भी लगा सकते हैं, Z3 के अबाउट भी लगा सकते हैं। अभी हम Z2 के अबाउट लगाते हैं इस तरीके से। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। ये ध्यान रखिएगा भाई कौन फाइनल है कौन इनिशियल है। यहां पे देखो Z-Z0 फाइनल है, Z1-Z0 इनिशियल है। तो फाइनल कौन हुआ? Z1-Z2। इनिशियल कौन है? Z3-Z2। किसके अबाउट लगा रहे हैं रोटेशन? Z2 के अबाउट। फिर मॉड ऑफ Z1-Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3-Z2। अभी कितने डिग्री से रोटेट किया? 90 डिग्री से। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है कि नहीं भाई? तो ई रेस टू पावर आयोटा पाई बाय टू, ई रेस टू पावर आयोटा पाई बाय टू कितना होता है? आयोटा। अब चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे भाई, Z1-Z2 इज इक्वल टू Z3-Z2 इंटू आयोटा। डिनोमिनेटर से वो कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों का मॉड्यूलस सेम है। Z2 को इस साइड लेके जाता हूं, आयोटा Z3 को इस साइड लेके आता हूं, 1-आयोटा, यहां से Z2 कॉमन निकल जाएगा ये। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें Z2 का कोएफिशिएंट 2 है। मैं 1-i के कॉन्जुगेट मतलब 1+i से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 1-i × 1+i, Z × Z̄ इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, और 1-i का मॉड कितना है? √2, उसका स्क्वायर कितना हो गया? 2। तो ये चीज तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई थी वो आ गई। हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1-iota के कॉन्जुगेट से, विच इज 1+i। ये 1+i यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहां पर ये माइनस आयोटा ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो -iota × 1
माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? +1। जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। बात समझ में? आगे बढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जिन लोगों से प्रूव हो गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो एक्सप्रेशन है वो आपको याद रखना है। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में वर्टाइसेस गिवन है, तो ये यूज हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, इस तरीके से हमने वर्टाइसेस को प्लॉट कर दिया। मैं किसी के भी अबाउट रोटेशन लगा सकता हूं, मैं इस केस में Z1 के अबाउट रोटेशन लगाता हूं इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया अपना इनिशियल पोजीशन और ये हो गई फाइनल पोजीशन। तो Z3 माइनस Z1, Z1 के अबाउट अपन रोटेशन लगा रहे हैं, अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 आएगा, यहां पर मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 आएगा, दोनों इक्वल हैं तो वो लिख नहीं रहा हूं मैं, समझ गया ना भावनाओं को। इनिशियल पोजीशन Z2 माइनस Z1 कितने एंगल से रोटेट कर रहे हैं? 60 डिग्री से। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो गया ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 3, इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन 1। ठीक है भाई, अब अपन एक काम करते हैं, Z2 के अबाउट रोटेशन लगाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फाइनल पोजीशन क्या हो गई? Z3 माइनस Z2। इनिशियल पोजीशन क्या हो गई? Z1 माइनस Z2। और कितने डिग्री से रोटेट कर रहे हैं? 60 डिग्री से। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज सेंस में। तो दिस विल बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई बाय 3। अब देखो भाई, ऐसा क्यों किया? थॉट प्रोसेस को समझना जरूरी है। अगर ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 3 को मैं लिखता कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, तो कॉस पाई बाय 3 तो 1/2 हो जाता, साइन पाई बाय 3 √3/2 हो जाता, वहां पर ये इरेशनल क्वांटिटी आ रही है। अब उस इरेशनल क्वांटिटी को हटाने के लिए जितनी भी इरेशनल क्वांटिटीज है सबको एक साइड रख के स्क्वायर करना पड़ता, आंसर उससे आ जाता। मतलब सिर्फ ये पहली वाली इक्वेशन से आंसर आ जाता। हो सकता है कि आप में से किसी ने इस तरीके से भी सॉल्व किया हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट वो स्क्वायरिंग करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। यहां पर हमने क्या किया कि एक बार Z1 के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लगा दिया है, तो ये ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 3 आ गया। एक बार Z2 के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन लगा दिया, तो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई बाय 3 आ गया। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 3 इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई बाय 3 है, वो तो 1 बन जाएगा। तो जिस टर्म की वजह से वो इरेशनल का फिगर आ रहा था √3 वाला, उस टर्म का हमने काम तमाम कर दिया है बड़े आराम से। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। Z2 स्क्वायर Z1 स्क्वायर को मैं LHS में लेके आता हूँ, Z1 Z3 Z3 Z2 RHS में लेके गया, ये आ गया रिजल्ट बड़े ही आराम से। इसको आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।